हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ऑटो कैड में ट्रिक्स एंड टिप्स। तो ये ट्रिक्स एंड टिप्स में आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आपकी ड्राइंग्स में और आपकी सारी, जैसे कि जो भी सेटिंग्स होती हैं उसके लिए टॉपिक्स हमने बनाया हुआ है। तो ये मेनली आपका सेटिंग्स पर पूरा टॉपिक रहेगा और कुछ चीज़ें आपको इसमें एडवांस सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप प्लेस कर सकते हैं। तो हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टैम्पलेट क्रिएशन। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि टैम्पलेट क्या होती है। टैम्पलेट मतलब जैसे आप स्टार ड्राइंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दे रखी हैं। तो कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल के आर्क टेम्पलेट्स हैं, कुछ आपके लिए 3D की टेम्पलेट्स हैं, या कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आप खुद से बनाना चाहते हैं, या आप इंटरनेट से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए तो आपके पास सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे अगर गेट मोर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, आपको क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक कर देना है तो आपका वो सेटिंग्स का टेम्पलेट का ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल, मैट्रिक, इंपीरियल, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दे रखी हैं। सपोज़ यहाँ पे इंटीरियर सीट सेट्स पे हमने क्लिक किया और इसको हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना यूज़ रख सकते हैं। तो अगर आपने नेट से डाउनलोड किया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद की टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ टेम्पलेट्स आपको इसमें पहले से दी होती हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है एक ऑप्शन क्रिएट न्यू शीट सेट, यहाँ पे जाएंगे फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा एन एग्जांपल शीट सेट एग्जिस्टिंग ड्राइंग में। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट। अब आप किस तरह की टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल, मैट्रिक, या सिविल, या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो आपको यहाँ से उनका टेम्पलेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। फिर अब डिस्क्रिप्शन लिखना है, शीट नेम लिखना है, जो भी आपको यहाँ से AK नाम से मैंने दे दिया, और सीट सेट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें यहाँ पे इसका नेम और सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं आप, इसको एडिट भी हम यहाँ से करा सकते हैं। जैसे क्लाइंट में हम गए और यहाँ से क्लाइंट का नेम, उसका एड्रेस है ना, तो ये इसका नंबर हो गया, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से एडिट करा सकते हैं। किस तरह से, आप बस क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। ये सारी सेटिंग्स करके आप ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जनरल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैम्पलेट के लिए आ रहा है, और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक टैम्पलेट क्रिएट हो गई है के नाम से। अब इसको भी आप अपने टैम्पलेट में बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक मेथड ये हो गया, सेकेंड मेथड हो गया आपने कि जैसे कोई भी ड्राइंग ली, सपोज़ हमने एक ब्लैंक ड्राइंग ली, अब इसमें हमने कुछ सेटिंग्स कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें सेटिंग्स कर ली लेयर्स की, हमने लेयर लिया और यहाँ से कुछ लेयर्स को यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। जैसे हमने दो लेयर ले ली, इनको हमने यहाँ से सेट कर लिया, और ये दूसरी लेयर, इसको सेट कर लिया, इसको नेम दे दिया वॉल, इसको दे दिया हमने डोर, ठीक है, और ये हमने डायमेंशन सेटअप कर लिया डी एंटर करके, और स्टैंडर्ड पे गए, फिर मॉडिफाई पे गए, और यहाँ से हमने आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले ली और यहाँ से डेसिमल टेम्पलेट ले ली और इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी। फिर डायमेंशंस सेट कर लिया, यूनिट सेटअप कर लिया यू एन एंटर से, आर्किटेक्चरल लेके हमने ओके कर दिया, और यहाँ पे हमने इंचेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करी है वो आपकी, देखिए लेयर्स भी आ गई हैं, डायमेंशन स्टाइल भी आ गई, लेकिन अगर आप कोई नई ड्राइंग खोलते हैं तो उसमें वो चीज़ें नहीं आएंगे, आपको बार बार वो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं हर एक नई ड्राइंग के लिए। तो इससे बचने के लिए गाइज आपके पास ये टैम्पलेट कैसे क्रिएशन होता है वो देखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ब्लैंक ड्राइंग आपको ओपन करनी है, फिर उसके बाद उसमें आपको करना क्या है, ये अपनी सेटिंग्स करने के बाद आपको जाना है, फाइल को पहले सेव कर लीजिए, टैम्पलेट नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में से एक्सपोर्ट, ठीक
एक मिनट, फोन आ गया यार। तो गाइस आपको हम बता रहे थे कि आपने जैसे कि सेटिंग्स कर ली, फिर आपको इसको टेम्पलेट फाइल में सेट करना होता है। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन मेन्यू में, और यहाँ पे देखिए आएगा सेव एज, और यहाँ पे आएगा ड्राइंग टेम्पलेट्स। तो आप ना यहाँ पे ड्राइंग टेम्पलेट्स में क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको जो भी टेम्पलेट फाइल सेलेक्ट क्रिएट करनी है, एक एक क्रिएटिव हमने सेलेक्ट की नेमिंग में और सेव कर दी, और कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख लिया किस, ये अगर इम्पीरियल टेम्पलेट है तो इसको हमने इम्पीरियल कर दिया, और ओके। तो अब आप क्या करेंगे, इस फाइल को क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि आप नई ड्राइंग में लेते हैं, तो नई ड्राइंग में आपको वही टेम्पलेट यूज़ करनी है, तो यहाँ पे टेम्पलेट में जाएंगे आप, तो देखिए यहाँ पे आपके भी एक ही क्रिएटिव शो नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा आपको कंट्रोल एन क्रिएट क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए एक ही क्रिएटिव वाली टेम्पलेट आ जाएगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं आपकी डिफ़ॉल्ट लेयर बनी हुई है, आप पर्टिकुलर जो आपने बना के रखी है उस पर आप वर्क कर सकते हैं, या आप यूनिट सेट करना है तो देखिए ऑटोमेटिक यूनिट सेट है, डायमेंशन आपकी ऑटोमेटिक सेट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हैं। तो इस तरह से गाइज आप अपना टेम्पलेट का सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपने देखी, तो ये कैसे लगी गाइज आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सेकंड हम देखते हैं सैम्पल ड्राइंग्स के बारे में। अब गाइज जैसे कि अगर आपको ऑटोकैड आप चला रहे हैं, लेकिन आपको किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे है कि ड्राइंग्स पे काम होता है, लेयर्स पे कैसे वर्क होता है, कैसे आपको कुछ ड्राइंग्स आपको प्री डिफाइंड इसमें टेम्पलेट पड़ी रहती हैं, जो सैम्पल ड्राइंग्स होती है वो कहाँ से आपको ढूंढनी है, कैसे यूज़ करनी है, उसके उसमें देखेंगे हम कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें नेक्स्ट आपका जो ट्यूटोरियल आएगा वो आएगा सैम्पल ड्राइंग्स। जैसे कि कुछ इसमें प्री डिफाइंड ड्राइंग्स पहले से दे रखी होती हैं, उनको आप यूज़ कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना कहाँ है, स्टार्ट में, फिर आपको यहाँ पे एक ओपन आएगा, ओपन अ शीट सेट या एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स, ठीक है। तो एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स पे जाएंगे आप, फिर यहाँ पे एक फोल्डर आएगा मैकेनिकल के सैम्पल्स कुछ दे रखे हैं गाइज आपको इसमें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इसमें देखिए प्री डिफाइंड सैम्पल्स आपको यहाँ पे दिए होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हो। देखिए स्टेयर्स का पूरा लैंडिंग का दिख रहा है, या कुछ और आपको चाहिए तो एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग्स पे गए, सीट सेट्स में गए, आर्किटेक्चरल में गए, और यहाँ से आपके अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स हैं, रेजिडेंस के हैं, सेक्शन के, स्टेयर केसेस के हैं, स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्राइंग्स हैं। तो ये कुछ ड्राइंग्स आपको यहाँ पे डिफाइन दे रखी है। आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, या कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं लेयर्स में हम लोग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ ड्राइंग्स आपको यहाँ पे रिडिफाइंड दी होती है, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। अब सेक्शन की कुछ ड्राइंग्स हैं ये देखिए, तो ऐसे ऐसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको ड्राइंग दे रखी है। इसमें स्टेयर केस का सेक्शन पूरा दे रखा है, उसकी डिटेलिंग दे रखी है, रेलिंग हो गया, ट्रेड हो गया, राइजर हो गया, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आपको देखना है तो आप सैम्पल ड्राइंग से ड्राइंग्स को आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्राइंग समरी, अगर आप कैसे दी जाती है प्रोजेक्ट में। ड्राइंग समरी क्या होती है, डिटेल्स ड्राइंग के बारे में। तो अब जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जैसे कंपनी का नेम, ऑथर का नेम, है ना, या आपको डेट टाइम ये सब सेट करना होता है, तो उसमें क्या होता है आपको ड्राइंग समरी आप कैसे देते हैं वो हम बताएंगे। ड्राइंग समरी, ठीक है। तो ड्राइंग समरी के लिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले गाइज आप एप्लीकेशन में जाएंगे, ड्राइंग यूटिलिटीज में जाएंगे, और यहाँ पे एक आता है ड्राइंग प्रॉपर्टीज। ड्राइंग प्रॉपर्टीज में अभी आपने ये ड्राइंग सेव नहीं कर रखी, तो इसलिए ना साइज, लोकेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग को सेव होना जरूरी है, जैसे कि इसको हम देखिए डी ड्राइव में सेव करेंगे, और ट्रिक्स
नेम से हमने इसको सेव कर दिया। अब आप यूटिलिटीज में जाके देखेंगे, प्रॉपर्टीज में, तो ये बता रहा है ये ऑटो कैड की ड्राइंग है, डी ड्राइव में सेव है और ट्रिक्स नाम से सेव है। कब सेव की गई है, ये इस तारीख को। कुछ समरी दे दीजिए, टाइप किस तरह की ड्राइंग आप बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, है ना, आर्किटेक्चरल प्लान। सब्जेक्ट कुछ देना चाहते हैं, क्या है, हाउस है, ऑथर किसने बनाई है, ए के ने बनाई है। कुछ कीवर्ड देना चाहते हैं, ए वन। कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स में देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम हो गया, वैल्यू हो गया। प्रॉपर्टी नेम मतलब किसकी, जैसे कि सपोज कितना एरिया क्या है, कितने स्क्वायर फिट है, 2000 है, तो मतलब ऐसे करके आप चीज़ों को यहाँ से डिफाइन करके ओके कर सकते हैं। तो जब आपको आपकी ड्राइंग कोई खोलेगा, प्रॉपर्टीज चेक करेगा, तो आपके पास समरी, डिटेल्स और ये सारी चीज़ें आपको प्रीडिफाइंड मिल जाती हैं। ठीक है, अब गाइस, अब जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट होता है आपकी यूसीएस सेटिंग्स होती हैं। यूसीएस सेटिंग्स क्या होती हैं, यूजर्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब आप ड्राइंग खोलते हैं तो देखिए साथ में यहाँ पे एक आइकन आता है, एक्स एंड वाई एक्सिस दिखाता है कि यूसीएस कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यू सी एंटर आप करेंगे तो यहाँ पे वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आएगा, ऑर्थोग्राफिक टॉप कौन सा व्यू है उसको यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स है, अब यूसीएस नहीं चाहिए तो ऑफ, यहाँ से ऑफ कर दिया, तो देखिए आपका यूसीएस वहाँ से हट जाएगा। आपको वापस यूसीएस चाहिए तो यूसीएस के लिए आपका कमांड है यू सी एंटर, यू सी एंटर। तो गाइज आपने यू सी एंटर किया, यहाँ से इसको ऑन कर लिया। अब डिस्प्ले एट यू सी एस ओरिजिन कर देंगे तो ये देखिए वापस यहीं पे एक ओरिजिन पे सेट हो गया, तो आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन पे सेट हो जाता है तो हम प्लान में दिक्कत करता है। तो अब वापस अगर उसे ही करना है आपको, यू सी एंटर किया हमने और यहाँ पे इस पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखिए ये आपका ड्राइंग के साथ यूसीएस पैन होता रहता है, अदरवाइज आपका यूसीएस एक जगह फिक्स हो जाता है। तो गाइज ये आपका जो कमांड था यूसीएस सेटिंग्स था। अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आप वर्क करते हैं तो कहीं कहीं कुछ लोग ब्लैक स्क्रीन पे वर्क करते हैं, कुछ लोग आपकी वाइट स्क्रीन पे वर्क करते हैं। अभी मेरा जो सेटिंग्स है वो वाइट स्क्रीन पे है और डार्क थीम पे है। तो गाइज आपको अपने अकॉर्डिंग थीम या कलर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड सेटिंग्स होता है। बैकग्राउंड सेटिंग्स, ठीक है, तो बैकग्राउंड सेटिंग्स के लिए गाइज आप क्या करेंगे, आपको सिंपल सा एक कमांड यूज करना है, ऑप्शन कमांड ओपी एंटर। आप ओपी एंटर करेंगे तो ओपी एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्ले टैब में। डिस्प्ले टैब में जाने के बाद आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे एक थीम आएगा जिसमें डार्क और लाइट है, हमने लाइट थीम लेके अप्लाई और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरा अपना जो भी थीम है पूरा एकदम लाइट हो गया है यहाँ पे। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो ओपी एंटर करेंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कलर्स, कलर्स में गए, फिर यहाँ से हम जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड लेना चाहते तो ब्लैक लगाया, अप्लाई, ओके, ये देखिए तो आपका ये देखिए ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेट हो गया। तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, थीम के साथ और साथ में कलर्स। अब होता क्या है कि कभी कभी देखा होगा जैसे कुछ लोग आर्किटेक्चरल प्लान बनाते हैं जिनका कुछ लोग अपना ये जो क्रॉस हेयर है इसको पूरा मैक्सिमाइज करके रखते हैं कि अलाइनमेंट के लिए, तो ये क्रॉस हेयर बढ़ेगा कैसे इसका साइज वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस हेयर साइज, ठीक। तो गाइज आपको करना क्या है, ओपी एंटर, फिर ओपी एंटर करने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले टैब में, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस हेयर साइज, तो यहाँ से जैसे इंक्रीज करेंगे अप्लाई तो आपका इससे क्या होगा, क्रॉस हेयर देखिए इंक्रीज होता जा रहा है, फिर ओपी एंटर, क्रॉस हेयर साइज इंक्रीज करा, अप्लाई, ओके।
तो ओपी एंटर से ऑप्शंस कमांड होते हैं, तो यहाँ पे कुछ कमांड दे रखे होते हैं, आप यहाँ से क्रॉस हेयर का साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब और एक और चीज़ है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको अगर अपनी जो फाइल है वो ओल्डर वर्जन में सेव करनी है, सपोज अभी आप ऑटो कैड चला रहे हैं 2020 या 2024, ठीक है, सपोज आप 2024 ऑटो कैड यूज कर रहे हैं, बट आपको किसी ने कह दिया कि मुझे इस फाइल को सेव करके देना है, सेव एज 2010, 2010 के वर्जन में, तो इसके लिए आपको पता होगा आप फाइल में जाते हो, यहाँ पे सेव एज करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप लगा के हमने इसको 2000 सेव यहाँ से सेट कर दिया। तो यह होता क्या है, बार बार आपको यहाँ से सेटिंग्स करनी पड़ती हैं ओल्डर वर्जन के लिए, लेकिन आप चाहते क्या हैं अपने ड्राइंग्स को, आपको डिफॉल्ट ही सेव करना है 2010 वर्जन में, कि आपको बार बार ये सेटिंग्स करनी ना पड़े। तो उसके लिए आप क्या करेंगे गाइज, ओपी एंटर, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन एंड सेव, ओपन एंड सेव में जाने के बाद इसको डिफॉल्ट आप लगा देंगे ऑटो कैड 2010 और इसको अप्लाई और ओके कर देंगे, तो गाइज ये आपकी जो ड्राइंग सेव होगी वो 2010 में। सो आपने देखा कि आप ओल्डर वर्जन में कैसे सेव कर दिए, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब जैसे आपने कुछ सेटिंग्स कर ली हैं, अब हमें वापस आपकी जो सेटिंग्स डिफॉल्ट होती हैं उसको सेलेक्ट करना है, तो आप ओपी एंटर करेंगे गाइस, फिर प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए रीसेट ऑप्शन आएगा, जैसे रीसेट पर क्लिक करके यस कर देंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स पहले से दी होंगी वो आपकी सेटिंग्स देखिए प्रीवियस वैसा ही हो जाएंगी। अब देखिए ओपी एंटर करते हैं तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पे और आपको दिखाई देगी, जैसे कि फॉन्ट, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है आपको दिखेगा वो किस साइज़ का दिखेगा, ठीक है, और क्रॉस हेयर तो हमने बता ही दिया आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एस, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका पब्लिश, इसमें पीडीएफ सेलेक्ट है ही, ये पब्लिश करते समय आपका हाई क्वालिटी पे, ठीक। अब ये होता है जैसे आपका यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाएंगे तो कुछ सेटिंग्स और हैं, अपर्चर का साइज हो गया, या जो आपका स्नैप होता है उसका, यहाँ से स्नैप छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, और यहाँ से अप्लाई ओके। अब जैसे कि कोई लाइन या कुछ भी करते हैं तो स्नैप आता है, आपने देखा होगा, लाइन लेते हैं तो देखिए स्नैप आ रहा है, तो ये जो भी ग्रीन कलर का स्नैप आ रहा है मिड पॉइंट पे जो भी अभी, लेकिन ये एंड टू एंड पकड़ रहा है। तो नेक्स्ट सेटिंग्स होती है ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ऑब्जेक्ट स्नैप कैसे यूज करते हैं, ओएस एंटर करते हैं, और ओएस एंटर करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, सेलेक्ट ऑल, अब जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जैसे आपको एंड पॉइंट चाहिए तो एंड पॉइंट लगा लीजिए, मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट लगा लीजिए, है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसमें स्नैप्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फिर ऑप्शंस में जाके यहाँ से स्नैप को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपर्चर का यहाँ से जो स्नैप का कलर है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, टूल टिप्स, इसका साइज हम कलर, वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसके अलग अलग डिफॉल्ट इसमें कलर भी दे रखे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको, तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ से सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अब इसके जो पॉइंटर हैं उसके यहाँ से हम पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी यहाँ से चेंज कर हो पाएगा, है ना, कैमरा जो हम लगाते हैं उसका पॉइंटर, तो मतलब कुछ इसमें स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जिनको हमको चेंज करना होता है, फिर पिक बॉक्स का यहाँ से साइज है तो यहाँ से ग्रिप साइज होता है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, एंड अप्लाई एंड ओके। तो ये जो सेटिंग्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके ड्राइंग्स के लिए। अब गाइज जैसे कि अभी आप तो 2D पे वर्क कर रहे हैं, तो गाइज आपने देखा कि मतलब कुछ सेटिंग्स होती है जिनके थ्रू हम चीज़ें अपनी पूरी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी सेटिंग्स है, एक होता है पर्ज, पर्ज किस लिए यूज होता है, अगर आपने कोई भी अनवांटेड ब्लॉक्स या लेयर्स, है ना,
या कोई भी आपने डायमेंशन सेटिंग कर रखी है, तो पर्स क्या करेगा, उसको रिमूव कर देता है। तो सपोज दैट हमने कोई एक फाइल खोली, तो आपकी कोई भी फाइल ले लेते हैं हम, यहाँ से एक एक क्रिएटिव में हमने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से हमने कोई भी ऑटोकैड की फाइल को ओपन की, ठीक है। तो अब इस फाइल्स में हम चाहते हैं कि जो फाइल साइज थोड़ा सा कम हो जाए, या जो चीज़ हमारी यूज़ की लेयर्स नहीं है वो लिस्ट में से हट जाएं, क्योंकि काफ़ी लेयर्स आ रही हैं जो कि हमको यूज़ भी नहीं करनी है। तो आप PURGE एंटर करेंगे या PU एंटर करेंगे, तो आप पर्ज कमांड में एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से पर्ज सेलेक्टेड आइटम्स करना चाहते हैं या ऑल, हम अभी हम जिसको कर अगर हम ब्लॉक्स को हटाना चाहते हैं तो ब्लॉक्स कर देंगे, डायमेंशन की स्टाइल्स को, डायमेंशन लेयर्स को, जो भी है, लेकिन अभी हम पर्ज ऑल कर देते हैं। तो पर्ज दिस आइटम पे क्लिक किया, पर्ज ऑल चेक्ड आइटम्स पे, तो यहाँ से देखिए जो अनवांटेड लेयर्स और सारी चीज़ें हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ से हट जाएंगी। तो गाइज आपको सेटिंग्स अगर अच्छी लगी हो कमांड्स की, या जो भी आपको इसमें समझ में ना आएगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो में एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।